पूरे देश में लोकसभा चुनाव की तैयारियां जोर शोर से चल रही है। मध्य प्रदेश में भी हाल कुछ ऐसा ही है। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश में हुए विधानसभा चुनाव के बाद पहली बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी झाबुआ पहुंचे और एक तरीके से लोकसभा चुनावों का शंखनाद भी कर दिया। इस वीडियो में हम आपको मध्य प्रदेश की एक ऐसी लोकसभा सीट की कहानी बयां करेंगे जिसने ना सिर्फ प्रदेश को मुख्यमंत्री दिया बल्कि देश को प्रधानमंत्री तक दिया है। वो सीट कौन सी है जिसे बीजेपी के लिए अजय सीट माना जाता है, आपको विस्तार से इस रिपोर्ट में हम बताएंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं अभी तक और मैं हूं आपके साथ आकांक्षा ठाकुर। हम बात कर रहे हैं विदिशा लोकसभा सीट की जिसे बीजेपी के लिए बीजेपी का गढ़ माना जाता है। अभी भी आपको बता दें यानी कि वर्तमान में बीजेपी के रमाकांत भार्गव यहाँ से सांसद हैं। विदिशा संसदीय क्षेत्र में 8 विधानसभा सीटें आती हैं। यहाँ आपको बता दें कि 2023 के विधानसभा चुनाव में भी 8 विधानसभा सीट में से 7 विधानसभा सीटों पर बीजेपी का कब्जा है। केवल एक जो विधानसभा सीट है सिलवानी सीट, वो कांग्रेस के पास है। कांग्रेस के देवेंद्र पटेल सिलवानी से विधायक हैं। मध्य प्रदेश की विदिशा लोकसभा सीट काफ़ी अहम है और इसके मायने काफ़ी ज़्यादा हैं। वो इसलिए क्योंकि मध्य प्रदेश की विदिशा लोकसभा सीट से जीते प्रत्याशी देश के प्रधानमंत्री रहे, विदेश मंत्री रहे और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री तक रहे हैं। आपको बता दें कि साल 1991 में पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी यहां से चुनाव जीते थे। हालांकि लखनऊ से भी उन्होंने चुनाव लड़ा था और बाद में उन्होंने विदिशा की सीट छोड़ दी थी। बाद में इस सीट पर तत्कालीन सीएम शिवराज सिंह चौहान चुनाव लड़े और लगातार 6 बार चुनाव जीते। इसी के साथ आपको बता दें कि तत्कालीन विदेश मंत्री स्वर्गीय सुषमा स्वराज भी विदिशा सीट से 2 बार सांसद रह चुकी है। वहीं आपको बता दें कि विदिशा से साल 1967 में पंडित शिव शर्मा और 1971 में रामनाथ गोयनका भारतीय जनसंघ से सांसद चुने गए थे। इसके बाद भारतीय जनता पार्टी से राघव जी, 1980 और 1984 में कांग्रेस के प्रताप भानु शर्मा, वहीं 1989 में राघव जी चुनाव जीते, जबकि 1991 में अटल बिहारी वाजपेयी ने विदिशा और लखनऊ से चुनाव लड़ा। दोनों ही सीटों पर वो चुनाव जीते। बाद में अटल बिहारी वाजपेयी ने विदिशा की सीट छोड़ दी। वहीं 1991 में ही शिवराज सिंह चौहान ने यहां से चुनाव लड़ा और उनको विजय भी हासिल हुई थी। यहां आपको ये भी बताते चले कि इसके बाद शिवराज सिंह चौहान विदिशा संसदीय सीट से 1996, 1998, 1999 और 2004 में भी यहां से चुनाव लड़े और जीते। साल 2006 में रामपाल सिंह यहां से सांसद बने। साल 2009 और 2014 में सुषमा स्वराज यहां से चुनाव जीती और केंद्र में मंत्री बनी। वहीं वर्तमान में बीजेपी से रमाकांत भार्गव विदिशा संसदीय सीट से सांसद है। आपको बता दें कि 2019 के चुनाव नतीजों की अगर बात करें तो 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने तत्कालीन सीएम शिवराज सिंह चौहान के करीबी रमाकांत भार्गव को यहां से प्रत्याशी बनाया था, जबकि कांग्रेस ने पूर्व विधायक शैलेंद्र पटेल को उम्मीदवार बनाया था। इस चुनाव में बीजेपी के रमाकांत भार्गव को 8 लाख से भी ज्यादा वोट मिले थे। शैलेंद्र पटेल को महज 3.5 लाख वोटों से ही संतोष करना पड़ा था और बीजेपी के रमाकांत भार्गव चुनाव जीत गए थे। फिलहाल 2024 में लोकसभा चुनाव होने हैं। विदिशा सीट जो कि बीजेपी का गढ़ मानी जाती है, देखना होगा कि इस बार विदिशा लोकसभा क्षेत्र की जनता क्या तय करती है, विदिशा कि जो जनता है उसके मन में आखिर कौन है। हालांकि आपको बता दें कि यहां से चुनाव कौन लड़ेगा इसको लेकर काफी सारे कयास सियासी गलियारों में लगते हुए दिखाई दे रहे हैं। एक तरफ मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान का नाम भी विदिशा लोकसभा सीट से आगे चल रहा है। माना जा रहा है कि लंबे वक्त से किसी बड़ी जिम्मेदारी का इंतजार कर रहे शिवराज सिंह चौहान विदिशा लोकसभा सीट से लोकसभा चुनाव लड़ सकते हैं। देखना होगा कि आखिर बीजेपी सीट से किसे चुनावी मैदान में उतारती है और जनता इस बार किसका साथ देती है। मामले में जो भी अपडेट होगा वो सबसे पहले एमपी तक आप तक लेकर आएगा। और ये रिपोर्ट कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में आप जरूर बताएं और मध्य प्रदेश से जुड़ी तमाम खबरों के लिए बने रहिए एमपी तक के साथ।